व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पर पार्लियामेंट्री फोरम्स। पार्लियामेंट्री फोरम्स के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, आखिर ये होते क्या है, किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या कोई इनकी कंपोजिशन होती है, कौन से एरिया को ये डील करते हैं। इतनी सारी हम लोगों ने डिपार्टमेंटल कमिटीज देखी, स्टैंडिंग कमिटी देखी, एडहॉक कमिटी देखी, अलग अलग एरिया के मेंबर्स देखे हम लोगों ने, कौन कौन उस पर मेंबर बन सकता है, किस तरीके से वो वर्किंग करती है, कौन चेयरमैन बनता है, कौन सी कमिटी कहाँ से आती है, वो सारी डिटेल में डिस्कस करने के बाद में आखिर ये फोरम कौन सा बवाल आ गया नया निकल के, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। डिफरेंस भी बताऊंगा क्या है यहाँ पर कमिटी में और फोरम में डिफरेंस, उस पर भी थोड़ी नजर डालेंगे। पर लेकिन आप जो ये वर्ड यहाँ पर यूज किया गया फोरम, इसका मोटा मोटा मतलब होता है मंच। पार्लियामेंट का एक मंच प्रोवाइड कराना है यहाँ पर, जिसके तहत चीजों को डिस्कस किया जा सके। आप बोलेंगे सर ये बात तो आप लोगों ने पार्लियामेंट्री कमेटी में बोली थी, अब मंच में भी वही बात बोल रहे हैं, मतलब फोरम में भी वही बात बोल रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले खासकर ये कंफ्यूजन मैं आप लोगों के माइंड में दूर करना चाहूंगा। जिस स्टूडेंट ने पुरानी वीडियो देखी है सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज की, तो उसके माइंड में कोई कंफ्यूजन न रहे, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में बताना चाहूंगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट लेते हैं यहाँ पर कमेटी के बारे में। जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब पार्लियामेंट की कमेटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उस टाइम पर हम लोगों ने दो तरीके की कमेटी देखी थी। एक साइड में देखी थी स्टैंडिंग कमेटी और दूसरी साइड में आप लोगों ने देखी थी यहाँ पर एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी को हम लोग परमानेंट कमेटी बोलते थे और एडहॉक कमेटी को हम किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाई गई कमेटी यहाँ पर बोला करते थे। वहां पर आप लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड बातें आती थी, कोई बिल आ गया उससे रिलेटेड बातें आ रही थी, फाइनेंशियल मैटर आ गया उससे रिलेटेड बातें आ रही थी, तो वहां पर उस तरीके का आप लोगों को एक प्रॉपर वे का वहां पर प्रोग्राम नजर आता था इस कमिटीज के अंदर। पर लेकिन फोरम जो है यहाँ पर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक मंच तैयार किया जा रहा है यहाँ पर, जो पार्लियामेंट्री होते हैं, मतलब जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके लिए, और उनके साथ साथ में यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उन्हीं के लिए फिक्स है। आउटसाइड से अगर कोई एक्सपर्ट है किसी पर्टिकुलर एरिया में, कोई एक्सपर्ट है वो अच्छा जानकार है, उसका डॉक्टर है, कोई उपाधि है उसके पास में इस तरीके से कि वो वहां पर अच्छा व्यू दे सकता है, या अपने फील्ड में कोई एक्सपर्ट है, या कोई भी इस तरीके का पर्सन जो कि यहाँ पर उसमें कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड कर सकता है, वो भी यहाँ पर ओपन रहता है। फोरम का मतलब ही मंच होता है, एक ऐसा मंच प्रोवाइड कराना जहां पर डिस्कस किया जा सके कि क्या हमारी पॉलिसी हो सकती है, किस तरीके से हम उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक मंच तैयार करना ये आप लोगों के सामने यहाँ पर फोरम है। तो कई बार ये फोरम अब तक पास में बनाए जा चुके हैं, थोड़ा आप लोग यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट टाइम जो पार्लियामेंट्री फोरम बनाया गया था, ये वाटर को कंजर्वेशन के लिए बनाया गया था। नाम क्या था यहाँ पर, ये था फोरम ऑन द वाटर कंजर्वेशन एंड द मैनेजमेंट। ये फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में फोरम बनाया गया, ओके। ये था 2005 का ईयर, उस टाइम पर यह फोरम फर्स्ट टाइम बनाया गया था। तो वाटर को किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, यहाँ पर अलग अलग एरिया से यहाँ पर एक्सपर्ट आए, अलग अलग एरिया सारी मिनिस्ट्री से मिलकर डिस्कस किया गया। क्योंकि देखिए जब वाटर का यूज आता है, ऐसा तो नहीं पर्टिकुलर एक मिनिस्ट्री यूज कर रही है यहाँ पर, हर एक मिनिस्ट्री में आप लोग एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर वाटर की बात आ जाती है, तो हर एक एरिया में आप लोग देखते हैं यहाँ पर जब जब वाटर का यूज आता है कि किस तरीके से यहाँ पर चीजों को टैकल करके चलना है। रूरल मिनिस्ट्री ले लीजिए, मतलब हर एक एरिया में पानी एक ऐसी चीज है, हर एक इंसान की जरूरत होती है, कहने का मतलब ये है। तो किस तरीके से हम लोग वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो एक ऐसा मंच प्रोवाइड कराना जहाँ पे सब मिलकर एक्सपर्ट बाहर से आके सारे एक तरीके से बैठकर डिस्कस कर सके और एक अच्छा व्यू निकाल कर आए किस तरीके से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं और किस तरीके से वाटर को मैनेज कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से आप लोगों के सामने यहाँ पर देखने को मिलेगा अब तक का टोटल यहाँ पर 8 तरीके के इस तरीके पार्लियामेंट्री फोरम यहाँ पर बनाए जा चुके हैं। ये आप लोगों के सामने सबसे पहला मैंने आप लोगों को बताया वोटर के कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के लिए, सेकंड यहाँ पर यूथ के लिए बनाया गया था, थर्ड यहाँ पर बनाया गया था चिल्ड्रन के लिए, फोर्थ यहाँ पर बनाया गया था पॉपुलेशन एंड द पब्लिक हेल्थ के लिए, फिफ्थ यहाँ पर बनाया गया था किस तरीके से हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकते हैं, सिक्स्थ यहाँ पर बनाया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, सेवन्थ यहाँ पर बनाया गया था किस तरीके से जो आर्टिशियन होते हैं और क्राफ्टमैन पीपल होते हैं उनके बारे में किस तरीके से देखभाल कर सकते हैं, एट्थ यहाँ पर आया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के लिए जो कि 2015 तक चले, अब इनके आगे गोल चल रहे हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, ये 2015 से आप लोगों को देखने को मिलेगा 2030 तक चलने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो गोल है यहाँ पर यह बात की जा रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, पर लेकिन जो यहाँ पर फोरम हम लोगों ने तैयार किया था ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में तैयार किया था। टोटल हम लोगों ने उस टाइम पर देखे थे 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हुआ करते थे, अगर आप लोग लेक्चर काफी लंबे समय से सुन रहे हैं तो 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हुआ करते थे और उनको किस तरीके से हम लोग अपनी इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में, क्या हमसे फायदा हो सकता है उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया था। तो एक एक करके इनको थोड़ा डिटेल में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे पहले थोड़ा डिटेल जान लेते हैं ये फोरम होते क्या है, किस तरीके से इनकी फंक्शन होती है, क्या वर्किंग होती है, क्या कंपोजिशन होती है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं, तब थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम नजर आएंगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं, वैसे मोटा मोटा मैंने आप लोगों को बता दिया ऑब्जेक्टिव क्या है इनको बनाने का, तो आप लोग देख सकते हैं एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाता है, मिनिस्टर्स रहते हैं, उन इंट्रक्शन करेंगे अलग अलग एक्सपर्ट से
की ऑफिसर्स जो रहते हैं, नोडल मिनिस्ट्रीज के जो मेंबर रहते हैं, यहाँ पर फोकस किया जाएगा एक मीनिंगफुल डिस्कशन के लिए। क्रिटिकल इशू पकड़ा जाएगा और उसको अच्छे से यहाँ पर देखा जाएगा किस तरीके से अप्रोच हम लोग लेकर चल सकते हैं और किस तरीके से अच्छे से हम लोग स्पीडली इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब अच्छे से प्रोग्राम बनाना और फिर अच्छे से इंप्लीमेंट करना, दोनों ही तरीके से आप लोग यहाँ पर बातें नजर आएंगी। इसके साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, उनको सेंसिटिव, मतलब उनको एक तरीके से सेंसिटिव किया जाएगा, मतलब एक तरीके से सेंसिटाइज किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि हाँ ये भी एरिया है, इन भी एरिया पे आप लोग फोकस देकर चलना है, तो उनके बारे में उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी, नॉलेज पहुंचाई जाएगी। ये कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन जो डेटाबेस होगा वो कहां से निकल कर आएगा, न्यूज़पेपर हो गए, यूनाइटेड नेशन की न्यूज हो गई, इंटरनेट हो गया, एनजीओ हो गए, उसके तहत डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज जो डेटा है यहाँ पर इन तक पहुंचाया जाएगा और किसी पर्टिकुलर इशू के लिए इनको सेंसिटिव किया जाएगा कि सेंसिटाइज किया जाएगा कि ये भी एरिया है हमारे, हमारी कंट्री में, इन पर भी आप लोगों को फोकस देकर चलना है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक प्रॉपर एक प्रोग्राम रखा जाता है जिसके तहत बताया जाए। देखिए कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है, आप लोगों ने कई बार एक जोक भी सुना होगा, क्या रहता है उसमें कि अगर अगर पूछो अमीर आदमी से कि गरीबी क्या होती है, तो वो क्या बताएगा कि मेरे पास में टूटी फूटी मर्सिडीज है और मैं आज की डेट में काफी दिन हो गया मुझे, मैंने किसी अच्छे होटल में खाना नहीं खाया है, तो वो उसकी गरीबी की डेफिनेशन ही होगी। और अगर असलियत में गरीब आदमी से पूछो तो वो क्या डेफिनेशन देगा कि भैया 4-5 दिन हो गए खाना खाए हुए, पता नहीं कितने दिन हो गए अच्छे से, मतलब कहीं पर घूमे हुए, मतलब किसी अच्छी जगह पर जाए हुए, इस तरीके से मतलब पता नहीं एक दिन खाना मिलता है दूसरे दिन मिलेगा भी नहीं, कपड़े पर मतलब बदन पे कपड़ा है भी नहीं है, तो इस तरीके की बातें बताएगा अगर असलियत में कोई गरीब होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर मान लीजिए कोई मिनिस्टर है, ठीक है ना, तो उसको मान लीजिए पता नहीं है उस फील्ड का, तो उसको एक तरीके से नॉलेज देना कि हाँ भैया ये भी हमारी सोसाइटी में हो रहा है, इस पर भी थोड़ी अपनी नजर डालो, इस पर भी हेमोक्रम करो, ये भी हमारी सोसाइटी का ही मुद्दा है। आप लोग देख सकते हैं जब यहाँ पर आईएएस का सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है, उनको अलग अलग एरिया में घुमाया जाता है, गांव में घुमाया जाता है, बहुत सारी सिटीज में उनको घुमाया जाता है, अलग अलग दूर दराज के एरिया में लेके जाता है। आखिर क्यों लिया जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट उनमें से ऐसी बात करते हुए पाए जाते हैं जो बोलते हैं कि हम गाँव में पहली बार आए हैं, तो देखिए कम से कम वो सेंसिटिव होंगे गांव को देखकर, पता चलेगा एक्चुअल में गांव में भी चीजें होती हैं, गांव में किस तरीके की दुनियादारी होती है, तो इस तरीके की बातें निकलकर कई बार सामने आती है, तो कहीं से कहीं उनको भी बताया जा सके कि हाँ ये भी सिस्टम है। तो इसलिए पार्लियामेंट्री फोरम का एक गठन आप लोगों के सामने यहाँ पर है कि चीजें जो मुद्दा है वो एक तरीके से उभार कर सामने लेके आया जा सके। ये किसी भी यहाँ पर डिपार्टमेंटल जो स्टैंडिंग कमिटी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट का कंसर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, किसी के साथ में कोई भी इंटरफेरेंस करता हुआ या उनके जो राइट्स हैं, उनकी जो जुडिक्शन है, उनका एनक्रोच करता हुआ नजर नहीं आएगा, मतलब उनके एरिया में दखल करता हुआ ये पार्लियामेंट्री फोरम दखल करता हुआ नजर नहीं आएगा। ये इसका अलग ही प्लेटफॉर्म रहेगा, अलग ही तरीके से वर्किंग रहेगी, अलग तरीके से मीटिंग रहेगी, उनके साथ में इसका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। अब थोड़ा जान लेते हैं कंपोजिशन क्या है। सबसे पहले अगर बात करें, जितने भी यहाँ पर 8 पार्लियामेंट्री फोरम हम लोगों ने देखे, इनके बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जब बात आती है कि इसका प्रेसिडेंट कौन होगा, तो ये जो ये पिक्चर निकल के आती है, ये आता है यहाँ पर लोकसभा का स्पीकर, मैक्सिमम सबका लोकसभा का स्पीकर यहाँ पर प्रेसिडेंट के तौर पर यहाँ पर काम करेगा, पर लेकिन एक को छोड़कर, ये कौन है, ये है पॉपुलेशन एंड द पब्लिक हेल्थ। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर लोकसभा के स्पीकर की नहीं चलेगी, यहाँ पर किसकी चलेगी, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बातें आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी के जो 7 हो गए वहां पर आप लोगों को नजर आएंगे कौन, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, पर लेकिन जब बात आती है यहाँ पर एक की, यह है पॉपुलेशन हमारी क्या है और पब्लिक की हेल्थ का देखभाल कैसे करना है, यहाँ पर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट नजर आएंगे। और ऐसी बात नहीं है कि स्पीकर का रोल खत्म हो जाएगा, स्पीकर यहाँ पर को प्रेसिडेंट नजर आएगा, ठीक है। मेन प्रेसिडेंट यहाँ पर कौन रहेगा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, सब में दूसरी वाली में तो जो बाकी के 7 हो गए वहां पे तो सब जगह कौन रहेगा, स्पीकर प्रेसिडेंट रहेगा, पर यहाँ पर कौन रहेगा, स्पीकर को प्रेसिडेंट रहेगा इस वाली में, जो पॉपुलेशन और पब्लिक हेल्थ के बारे में जिक्र किया जा रहा है, बाकी में सब जगह प्रेसिडेंट रहेगा। इसके अलावा जो डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के, डिप्टी स्पीकर है लोकसभा के, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, कंसर्न मिनिस्टर हो गया किसी मिनिस्ट्री का, चेयरमैन हो गया डिपार्टमेंटल कमेटी का, जो रिलेटेड डिपार्टमेंटल कमेटी हम लोगों ने डिस्कस करी थी, तो अगर उनमें से कोई मेंबर है वे आप लोगों को एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट रेस्पेक्टिव फोरम के नजर आएंगे, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से कोई फोरम निकल के आ रहा है तो उसके वाइस प्रेसिडेंट ये नजर आएंगे, प्रेसिडेंट हो गया, को प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर ये पर्सन नजर आएंगे। ऊपर वाला याद रखेगा, इतना नीचे वाला कोई पूछेगा नहीं ज्यादा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ओके। आगे बात करते हैं कि टोटल मेंबर कितने होते हैं, मेंबर नॉर्मली यहाँ पर नोट मोर देन, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है, तो पर 31 का यहाँ पर बोला गया है और 31 मेंबर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, किस किस में से कितने आते हैं। 31 मेंबर की जब बात की जाती है तो 21 मेंबर से ज्यादा लोकसभा से नहीं होने चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा 10 मेंबर से ज्यादा यहाँ पर राज्यसभा से नहीं होने चाहिए।
तो इस तरीके से मिलाकर आप लोगों को देखने को मिलेगा आज की डेट में 31 मेंबर है और ये एक संयुक्त आप लोगों को यहाँ पर फोरम नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अलग अलग होगा, लोकसभा का अलग हो गया, राज्यसभा का अलग हो गया, ऐसा कुछ बात नहीं है। क्योंकि टॉपिक क्या है, टॉपिक यहाँ पर आप लोग देखिए, फिर से एक बार नजर मारिए, टॉपिक है यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन किस तरीके से करना है। तो ये थोड़ी ना है कि लोकसभा अलग वाटर कंजर्वेशन करेगी और राज्यसभा अलग करेगी, तो सब मेंबर इंपोर्टेंट मेंबर जो भी है उस एरिया से रिलेटेड अगर वो किस तरीके से वर्क कर सकते हैं तो यहाँ पर सबको एक साथ में इकट्ठा करके लाया जाएगा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो सब साथ में यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे। तो ये बात आप लोग याद रख सकते हैं, एक तो हम लोगों ने मेंबर देख लिया। अब इसके अलावा अगर कोई और मेंबर लेके आना है यहाँ पर तो आप लोगों को देखेगा अदर देन प्रेसिडेंट हो गया, को प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, जो सारे हम लोगों ने डिस्कस किए प्रेसिडेंट, को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इनके अलावा फोरम में अलग से मेंबर को यहाँ पर लाया जा सकता है जो नॉमिनेट करेगा कौन। अगर बात करते हैं यहाँ पर स्पीकर या फिर चेयरमैन, ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पर इनकी साथ की जो बचे हुए साथ रह गए वहां पर करेगा स्पीकर और एक जो बच गया वहां पर करेगा चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग अलग पॉलिटिकल लीडर आ सकते हैं, यहाँ पर नॉमिनेट किया जा सकता है अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स को, यहाँ पर पार्टी ग्रुप के मेंबर को नॉमिनेट किया जा सकता है, जो कीन इंटरेस्ट है, कोई स्पेशल पर्टिकुलर नॉलेज है, मान लीजिए क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई आ गया तो उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है क्लाइमेट के एरिया से रिलेटेड, तो वो पर्सन भी यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। अब बात हो गई, पर्सन अंदर तो आ रहा है, बाहर जाने का कोई रास्ता है? हाँ भैया, जब अंदर आते तो बाहर का रास्ता जरूर मिलेगा, बस थोड़ा खोजना पड़ता है, तो यहाँ पर भी खोजा जा सकता है। मेंबर को अगर यहाँ पर छोड़ के जाना है तो स्पीकर और चेयरमैन दोनों अवेलेबल हैं, जहां पर चेयरमैन स्पीकर है वहां पर चेयरमैन को स्पीकर को देगा और जहां पर चेयरमैन जो यहां पर राज्यसभा का चेयरमैन है तो वहां पर उसको देगा, मतलब जहां पर प्रेसिडेंट स्पीकर है यहां पर रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को इसको स्पीकर को सौंपा जाएगा, जहां पर प्रेसिडेंट चेयरमैन है वहां पर रेजिग्नेशन ये चेयरमैन को सौंपा जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी बात थी जो आप लोग याद रख सकते हैं। तो थोड़ा फोकस और डाल लेते हैं यहाँ पर हल्का सा डिटेल में, वैसे आप लोगों को बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, वही आप लोगों को यहाँ पर बार बार रिपीट होता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन के बारे में, कब इसका गठन किया गया था, 2005 में गठन किया गया था, ये डेट थोड़ा याद रख सकते हैं, ओनली 8 है आप लोगों के सामने तो 8 की कम से कम डेट याद रखेगा, ये 5 में हो गया, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, 3 यहाँ पर 2006 में हो गए, 1 8 में हो गया, 1 11 में हो गया और 2 यहाँ पर किस में हो गए, 13 में हो गए, ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन की जब बात आती है तो यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मिनिस्ट्री के पर्सन आएंगे, डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, देखेंगे किस तरीके से हम लोग वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, वाटर को मैनेज कर सकते हैं, और अगर कोई यहाँ पर इफेक्टिव डिस्कशन निकल के आता है फिर उसको आगे चल के इंप्लीमेंट करते हुए नजर आएंगे। तो इन सब चीजों पर फोकस दिया जाएगा जब बात आती है वाटर को कंजर्व करने की, वाटर को मैनेज करने की। और सबसे बड़ी बात क्या होती है यहाँ पर घूम फिर कर, वो आती है अवेयरनेस, और अवेयरनेस कैसे आती है, न्यूज़पेपर के थ्रू यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, टेलीविजन के थ्रू, रेडियो के थ्रू, और इसके अलावा नुक्कड़ नाटक होते हैं चौराहे पर किए जाते हैं, आप गलियों में किए जाते हैं, उनके थ्रू भी अवेयरनेस फैलाई जाएगी। तो सबसे बड़ा पर्पज क्या है, किस तरीके से अवेयरनेस फैलाई जा सकती है और किस तरीके से हम लोग इसको मैनेज करके चलते हैं, ये बात देखने को यहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर यूथ की निकल के, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री यंगेस्ट नेशन कंट्री है, तो इस तरीके से हमारी कंट्री में जो यूथ हैं आज के डेट में हम किस तरीके से उनको जो उनकी पावर है उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है एक तो अच्छी एजुकेशन देकर और दूसरी अच्छी हेल्थ देकर और तीसरे नंबर पर जब दोनों मिल जाएगी तो अच्छा एम्प्लॉयमेंट देकर, ये एक तरीका होता है जिस तरीके से हम लोग ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बनाते हैं, करेंसी के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, वो तभी हो पाएगा जब हम इस तरीके से फोकस देकर चलेंगे। तो इन सब एरिया पे किस तरीके से फोकस दिया जा सकता है इसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन होगा, किन किन एरिया में हम लोग एंट्री कर सकते हैं उसको देखा जाएगा। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर कई सारे एरिया आप लोगों के सामने नजर आएंगे, तो इस तरीके से यहाँ पर वर्किंग आप लोग इसकी भी देख सकते हैं। थोड़ा सा नजर डालिएगा तो आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाएगा कि यूथ को किस तरीके से हम लोग यहाँ पर यूज अब किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। 2006 में इसका गठन किया गया था। बात की जा रही है चिल्ड्रंस की, जब चिल्ड्रन की बात आती है तो कई सारी बात निकल के आती है। सबसे पहले चिल्ड्रन की देखी जाती है यहाँ पर, चिल्ड्रन से रिलेटेड यहाँ पर चाइल्ड लेबर निकल के आती है, चाइल्ड लेबर को किस तरीके से हम लोग घटा सकते हैं, किस तरीके से इनकी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से इनको एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यूनिसेफ भी पिक्चर में आ जाता है, किस तरीके से चिल्ड्रन का यहाँ पर हम लोग एक तरीके से उनको अच्छा, क्योंकि देखिए चिल्ड्रन को क्या होता है नॉर्मली आप लोग देखेंगे किसी भी कंट्री का भविष्य माना जाता है, आने वाले टाइम में जो बच्चे हैं वो जवान होंगे और फिर उनके कंधे पर हमारा पूरी कंट्री का भार रहेगा। तो इसीलिए अगर बच्चे हष्टपुष्ट रहते हैं, बच्चे एजुकेट हो पाते हैं, अच्छा एथिक्स उनके अंदर डाला जाता है, तो तब जाकर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो एक सही डायरेक्शन में सही डायमेंशन में चलते हुए नजर आएंगे। तो बहुत बेस्ट तरीका है अगर हम लोग बच्चों को यहाँ पर अच्छे से करते हैं, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो एपीजे अब्दुल कलाम सर थे वो हमेशा बच्चों पर फोकस दिया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये आने वाली कंट्री का फ्यूचर है।
तो अगर आने वाला जो बच्चा है अगर वो अच्छे से रहेगा तो कंट्री बहुत अच्छे से बढ़ेगी, ठीक है। और जब कंट्री की बात करते हैं तो फैमिली की बात हम लोग कर सकते हैं। फैमिली में अगर कोई बच्चा एक अच्छा निकल जाता है तो पूरी फैमिली का मानते हैं कि पूरी फैमिली संवर जाती है, तो कुछ ऐसा भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसी के लिए भी एक फोरम तैयार किया गया, एक मंच तैयार किया गया कि इसके ऊपर भी डिस्कशन करो किस तरीके से हम बच्चों को अच्छे से इफेक्टिवली उनको इंपावर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं और आने वाले टाइम में वो अच्छे से अपने आप को सही डायरेक्शन में ला पाए। इसका गठन किया गया 2006 में। ओके, ऊपर वाले में भी मैंने आप लोगों से जिक्र किया, देखिए यूएन की एजेंसी यहां पर आ गई यूनिसेफ। इसी तरीके से जब बात आती है पॉपुलेशन और पब्लिक हेल्थ के बारे में 2006 में इसका गठन किया गया। यहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसके अलावा UN हो गया। तो जब पब्लिक हेल्थ की बात आती है, पॉपुलेशन की बात आती है, तो जैसे चाइना हो गया, आज के टाइम मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, इंडिया हो गया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों को इस तरीके की प्रक्रिया नजर आती है। तो किस तरीके से हम जो पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं और पॉपुलेशन पे कंट्रोल ला सकते हैं, मतलब बच्चे दो ही अच्छे, कई सारे स्लोगन सुने होंगे आप लोगों ने, चाइना का भी स्लोगन सुना होगा कि वन चाइल्ड पॉलिसी है, वहां पर एक बच्चे से ज्यादा बच्चा नहीं करना है, हालांकि अब वो चेंज कर दी गई है, पर लेकिन नॉर्मली इस तरीके की बातें होती नजर आती है। तो फोकस किया जाता है इस फोरम में, इस मंच पे, कि किस तरीके से हम लोग यहां पर अपनी सोसाइटी को एक, मतलब एक ऐसा नहीं है कि बस फ्री माइंड होकर बच्चे किए जा रहे हैं, तो बच्चे ज्यादा नहीं होने चाहिए और जो बच्चे हैं इफेक्टिवली उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, किस तरीके से पब्लिक हेल्थ का भी यहां पर ध्यान रखा जाता है, तो इसके लिए भी मंच तैयार किया गया। ओके, फिर से मैं बोल रहा हूं आप लोग, अगर मोटा मोटा जो भी बातें मैंने अब तक आप लोगों के सामने रखी है चारों बातें, आप लोगों को ये देखने को मिलेगा किसी पर्टिकुलर सिंगल मिनिस्ट्री का काम नहीं है, ये सब मिलकर जब साथ में काम करेंगे तब जाकर इस तरह के काम होते हुए नजर आएंगे आप लोगों के सामने। ओके, कोई पर्टिकुलर बोले आप लोग पर्टिकुलर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का काम है तो ऐसा नहीं है। और नेक्स्ट वाला तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, तो एक कंट्री के यहाँ पर तो सारी कंट्री वर्ल्ड के साथ मिलकर साथ आ जाती है, तब भी यहाँ पर कम पड़ जाता है, तो इस तरीके का इशू यहाँ पर ये है। इसके लिए भी फोरम यहाँ पर रखा गया, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, तो सारी मिनिस्ट्री और सब डिपार्टमेंट आकर मिलकर साथ में काम करेंगे, एक मंच प्रोवाइड कराया जाएगा कि इसके ऊपर रिसर्च किया जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए और देखा जाए क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है, किस तरीके से अवेयरनेस फैलाया जा सकता है, कौन कौन यहाँ पर साथ में आ सकता है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आप लोग देखते हैं 2015 में लेके आए, उसका रीजन क्या था, यही था किस तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में टेम्परेचर हम उसको कंट्रोल करके चल सकते हैं, तो इस तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल के आता है। ऐसी ऐसी बातें भी आप लोग याद रख सकते हैं। 2008 में इसका गठन किया गया, एक मंच प्रोवाइड कराया गया कि ग्लोबल वार्मिंग से और क्लाइमेट चेंज से किस तरीके से हम लोग निपट सकते हैं, तो ये याद रखिएगा 2008 में इसका गठन किया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की जा रही है, डिजास्टर मैनेजमेंट आज के डेट में ऐसा हो चुका है, देखिए कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी आप लोगों को देखने को मिलेगा साइक्लोन आ जाते हैं, और कभी कभी से 2004 में हमारे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सुनामी भी आई थी, तो इस तरीके से अर्थक्वेक आ जाते हैं, कभी कभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, कई तरीके के डिजास्टर होते हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ये देखने को मिलेगा। तो जो इस तरीके के डिजास्टर्स हैं तो उनको कैसे टैकल किया जा सकता है, उनके से कैसे निपटा जा सकता है, किस तरीके से हर एक लेवल पर यहाँ पर वर्क किया जा सकता है। अगर मान लीजिए सूखे की बात होती है या फिर बाढ़ की बात आती है, तो इस तरीके से या फिर साइक्लोन की बात आती है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा सेंटर से लेके स्टेट से लेके पंचायत तक का सब लोग काम करते हुए नजर आएंगे, तब जाकर इस तरीके के काम से हम लोग निपट सकते हैं। तो हर एक लेवल पर हर एक डिपार्टमेंट का हर एक पर्सन जब निकलकर सामने आएगा तब जाकर एक ऐसा मंच प्रोवाइड कराएंगे, वहां पर सब डिस्कस करेंगे, बैठ के अपनी अपनी समस्या सामने रखेंगे, लाकर उनका प्रॉब्लम उनका सोल्यूशन निकाला जाएगा, तब जाकर यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट का भी सोल्यूशन निकलकर सामने आएगा। 2011 में इसका गठन किया गया। ओके, डेट याद रख सकते हैं, 8 ओनली यहाँ पर पार्लियामेंट्री फोरम है और इनसे रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं थोड़ा बोल रहा हूँ आप लोग डेट याद रख के चलेंगे तो थोड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। ओके, तो थोड़ा इसके बारे में फोकस जरूर दीजिएगा। आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं, ये भी फोकस यहाँ पर दिया गया 2013 में। क्या निकल कर आया, जो आर्टिशन होते हैं, जो क्राफ्टमैन होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कई तरीके कढ़ाई बुनाई की जाती है, जो हथकरघा आप लोग जिनको बोलते हैं, हाथों से कढ़ाई बुनाई की जाती है, बनारसी साड़ी वगैरह आप लोग देख सकते हैं, और भी कई सारे ऐसे आइटम जो हाथों से बनाए जाते हैं, क्राफ्ट म्यूजियम में अगर आप लोग जाएंगे कई तरीके हाथों से बनाई गई कलाकारी आप लोगों को नजर आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर उन सबको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, आज की डेट में मशीन आ चुकी है और इन सब पर कोई फोकस नहीं जाता है, मशीन से सारा काम किया जाता है, तो किस तरीके से हम लोग इनको प्रिजर्व कर सकते हैं, किस तरीके से जो यहाँ पर एक नॉलेज है इसको किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए आज की डेट में लैंग्वेज इतनी सारी गुम होती जा रही है, ये तो फिर भी काम है, जो बोलने वाली चीज कुछ गुम हो जा रही है तो फिर भी काम है, ये तो कुछ आदमी करना छोड़ देंगे तो वैसे खत्म हो जाएगा, तो कम से कम किस तरीके से प्रिजर्व करना है, इसके अलग से पैसे देना है, मतलब इसको अलग से फंड दिया जाए यहाँ से कम, तो जो पार्लियामेंटेरियन है उनकी नजर में ये बातें लाई जाती है कि हाँ ये भी इशू है भैया, इस पे भी आप लोगों को सोच के चलना है, वरना कल को खत्म हो जाएगी कि हाँ ये ऐसा भी कुछ हुआ करता था हमारी कंट्री में, तो कम से कम इस पे अपनी नजर डालिए और देखिए क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम इनको प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इनको और बढ़ावा दे सकते हैं।
और कई बार ऐसे मेले भी लगते हैं जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो हाथों से कढ़ाई बुनाई के प्रोडक्ट वहां पर आप लोगों को नजर आएंगे, जो हाथों से बनाई गई चीजें हैं वो नजर आएंगे। तो मैक्सिमम उसका पर्पज क्या होता है, उसका पर्पज यही होता है किस तरीके से हम बढ़ावा इनको दे सकते हैं जो इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं आज के डेट में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। ये हालांकि अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। नेक्स्ट, ये लास्ट वाला मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में जिक्र किया जा रहा है। 2013 में इसका गठन किया गया। देखिए आज की डेट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चल रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पता है आप लोगों को 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा सा। ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हुआ करते थे तो यहाँ पर काम यह था कि किस तरीके से हम लोग इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे पुअर्टी हो गई, हंगर हो गया, एजुकेशन हो गई, बीमारी हो गई, तो इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस फैलाना, किस तरीके से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ग्रुप बना के, अलग अलग जगह मीटिंग करना, तो सबको एक साथ में लेके आना, तो इस तरीके की बातें यहां पर नजर आती थी। ठीक है, ऐसा ही कुछ हम लोग कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, किस तरीके से अवेयरनेस फैलाई जा रही है यहाँ पर, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, पुअर्टी से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, या फिर आप लोग डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड यहाँ पर बातें कर सकते हैं। तो अलग अलग एरिया में किस तरीके से हम लोग वर्क कर सकते हैं, सबको साथ में लेके आ सकते हैं, और कोई भी अगर प्रॉब्लम है यहाँ पर सोसाइटी की, उसको किस तरीके से खत्म कर सकते हैं, तो ये वाली बात यहाँ पर सामने निकल कर आती है। और देखिए थोड़ा सा इसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ये ऐसा नहीं है इंडिया में इसका गठन किया जाता है, ऑल ओवर वर्ल्ड के लेवल पर भी इसको गठन किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यह है वर्ल्ड पार्लियामेंट्री फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड पार्लियामेंट्री फोरम का मतलब है वर्ल्ड की पार्लियामेंट का एक मंच यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया, एक फोरम प्रोवाइड कराया गया, जहां पर सब लोग आए, आकर बैठे और डिस्कस करें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उसको किस तरीके से हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सितंबर 6 से 7 तक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला, 6 से 7 तक 2017 में। कहां पर यह नजर आया, ये इंडोनेशिया, बाली में, इंडोनेशिया में यह हुआ था। इसके बारे में आप लोग रख सकते हैं याद, क्योंकि ये करंट की न्यूज हो जाती है, इस तरीके की बातें कई बार पूछ ली जाती हैं। तो वर्ल्ड के लेवल पर भी इस तरीके के मंच प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि हम किसी पर्टिकुलर चीज को इंप्लीमेंट कर सकें। तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो यहां पर जो ये मैंने आप लोगों को बताया, ये यहां पर जो वर्ल्ड का पार्लियामेंट्री फोरम, जो पार्लियामेंट्री फोरम यहां पर ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जिक्र किया गया, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इतने सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। देख सकते हैं किस तरीके से पॉवर्टी घटानी है, हंगर किस तरीके से खत्म करनी है, हेल्थ को अच्छे से किस तरीके से करना है, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से किस तरीके से बचना है, क्लीन वाटर के बारे में डिस्कस किया गया है, अफोर्डेबल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया है, डिसेंट वर्क यहां पर इन्वॉल्वमेंट प्रोवाइड कराना है ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्री और इनोवेशन के बारे में जिक्र किया गया। तो टोटल मिलाकर 17 यहां पर है। तो टोटल मिलाकर इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा किस तरीके से हम लोग इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया जाए, डिबेट किया जाए और चीजों को इंप्लीमेंट किया जाए, उसके ऊपर भी यहां पर आप लोगों को फोकस नजर आएगा। तो ये भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो अलग अलग एरिया में किस तरीके से हम लोग वर्क कर सकते हैं, किस तरीके से हम चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं, ये सारी बातें आप लोगों के सामने है। तो ये इस तरीके फोरम यहां पर प्रोवाइड कराए जाते हैं, ना कि इंडिया में बल्कि वर्ल्ड के लेवल पर भी। तो ये था हमारा कंप्लीट लेक्चर जिसमें हम लोगों ने जाना पार्लियामेंट्री फोरम के बारे में। तो छोटा सा यहाँ पर टॉपिक था, आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने फिर से आप लोगों को बोलूंगा, कोई भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, किसी भी तरीके से आप लोगों को ये नहीं फील होगा कि हाँ कोई टॉपिक छोड़ दिया गया है। पूरा पढ़ाने के बाद में भी ये बोलूंगा कोई टॉपिक आप लोगों का लग रहा है बच गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, तो ये हो गया आज का टॉपिक हमारा खत्म। लेक्चर अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और चीजों को शेयर कर दिया कीजिए अगर पसंद आती है तो, नहीं पसंद आती तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को भी, कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे आपकी पढ़ाई से रिलेटेड। सारे लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे पुराने लेक्चर्स के भी, और यहाँ टेलीग्राम वगैरह और फेसबुक के भी, आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को सेव कीजिए और पानी को भी सेव कीजिए, और मिलजुल करिए और चीजों को शेयर करते रहिए, और अगर जहां भी आप लोगों को टाइम मिले किसी को पढ़ा दिया कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।